तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल को कार्य को जूल में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लेक्स का। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की क्रिया प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में पवलन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। यानी कि अगर कोई आइस का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो उसका एक भाग ही ऊपर दिखाई देगा, 10 में से एक भाग उसका ऊपर दिखाई देगा। यानी कि जितना बड़ा वो होगा उसमें से सिर्फ एक ही भाग उसको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, 1% मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुत किस नियम का सिद्धांत अनुप्राय है? पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप सारे देखते हैं तो इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? परस तनाव के कारण। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? परस तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्कमिडीज का सिद्धांत। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पवलन का नियम से। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाबल का सही मान है? 9.8 N। क्वेश्चन नंबर 23, 1 हॉर्स पावर में कितने वोट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? 740 वोट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? परस तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री के कोण से फेंकी जाए तो ये अधिकतम दूरी तय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मा गुप्त ने। क्वेश्चन
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री का कोण, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो 45 डिग्री से अगर फेंकी जाए तो वो ज़्यादा दूर पहुंचेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, हो सकता है, सॉरी, उच्च हो सकता है? बॉयलन के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ताप युग्म तापमापी थर्मो कपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण विकिरण उताप मापी टोटल रेडिएशन पायोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीवन के नियम पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उताप मापी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे? तो जब माइनस के 40 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियांग का। क्वेश्चन नंबर 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंत स्थल में जल का क्या तापमान होगा?